क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल हैं बाई 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, यस आर नोन। ठीक है ना, सबसे पहले ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन कौन से 2 से कटते हैं। ठीक है ना, तो 2 से कौन से नंबर कटते हैं? 2 से नंबर वो डिविजिबल होते हैं जिन नंबरों के लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो चेक करेंगे किन किन नंबरों के लास्ट में ये नंबर है। 0 है तो क्या आएगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, यस है। 6 है लास्ट में इस नंबर के, 1586 है लास्ट में, तो 6 है तो ये भी यस है। इसके लास्ट में 5 है तो ये नो है, क्योंकि 2 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 है और 8 होगा। इसके लास्ट में 6 है तो ये यस है, यस का मतलब ये 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 0 है तो ये यस है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 4 है तो ये भी यस है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 6 है तो ये भी यस है, ये भी 2 से डिविजिबल है। और इसके लास्ट में 0 है, ये भी यस है, क्योंकि इसके 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 9 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम 2 वाले हो गए। अब हम चेक करते हैं, अब जो जो नो आए ना, जैसे 2 से ये वाला डिविजिबल नहीं है, जब 2 से ये वाला डिविजिबल नहीं है तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है, ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो किन से, इन सबसे भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, और कौन सा नहीं आया था 2 से, ये 9 था, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, और ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, और ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 वाला कहाँ है, 6 के बाद 7 ही, अच्छा 8 वाला ये नो नो एन एन नहीं नो नो, और ये 10 वाला भी नो। ठीक है ना, क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है, 2 के बाद 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, और 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3। ठीक है, अब आ जाता है नंबर, हम कौन सा ले लें, 3 का ले लेते हैं। ठीक है, अब कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है, नंबर पहला कौन सा देगा, 990, तो इसका हम समेशन करेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 0, 9 और 9 18, और 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है, आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और जो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 3 दस 6 होते हैं। अब अगला नंबर आता है 1586, 1586। ठीक है, 3 से डिविजिबल के लिए इसको हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 और 1 6, 6 और 6 कितना होता है, 12, 12 और 8 20। तो ये जो 20 है, 1586 यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 20 भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, नो। तो ये 6 के लिए नो, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल, 6 के लिए क्या चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए इसके लिए हम क्या लिख दें, नो। 275, अब 275 देख लें, 275 इसका सम देख लेंगे, 2 प्लस 7 प्लस 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 2 से तो कट, ओ 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटने का, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, नो, और इसमें भी 6 में भी नो। अच्छा, ये 2 के वजह से नो लिख दिया था। ठीक है ना, अब आ जाता है कौन सा नंबर, 6686, 6686, इसका एडिशन देखेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, 6 थ्री दा 18 और 18 और 18 कितना है, 26। ठीक है, 26 क्या 3 से कट डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो 3 के लिए हमारा क्या आएगा, नो आएगा, तो 6 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और जो जो 3 के लिए नो नो आ रहे हैं, चलो अब बाद में बताएंगे। अब उससे अगला कौन सा है, 6392, 6392,
0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो 6 लिख लिया, प्लस 3 लिख लिया, प्लस 9 लिख लिया, प्लस 2 लिख लिया, प्लस 1 लिख लिया, प्लस 0 लिख लिया, इसको इक्वल कर लिया। कितने हो गए? 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, ठीक है ना। एडिशन सही करके कर लेना, अगर एडिशन गलत करा तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? यस आ गया। 2 के लिए यस है, 6 3 के लिए यस है, तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। उसके बाद अगला ले लेते हैं, 4 2 9 7 1 4। इसे हम कैसे लिखेंगे? 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 2 कितने हुए? 14, 14 और 9 कितने हुए? 23, 23 और 4 27, 27 तो 3 से कटता है, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर 4 वाला जो है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? यस, 2 के लिए भी यस है और 3 के लिए यस है, तो 6 के लिए भी यस। इनमें से 1 के लिए भी नो है, तो 6 के लिए भी नो हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के लिए नो है, तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया था नो, हमने 6 की चेक कर 3 की चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उससे अगला नंबर क्या है? 2 8 5 6 2 8 5 6, ये किसके बराबर? 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, एंड डेट इज इक्वल टू 8 और 2 10, और 10 20 और 21, 6 और 5 11 11 और 10 21, 21 तो 3 से कटता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ये यस हुआ तो 6 वाला भी यस हुआ, 3 0 6 और 3 9 ही आ रहा है, तो ये भी यस हुआ, ये भी यस हो जाएगा। भाई लिख देता हूँ, कभी कभी ये नहीं लिखा, 3 0 6 0, 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 और 3 9। अगला कौन सा है? 4 0 6 8 3 9, इसका सम देख लो। 4 प्लस 0 प्लस 6 कितना होगा? 10 होगा, 10 प्लस 8 18 होगा, 18 प्लस 3 18 और 3 कितना? 21 21 और 9 30, 33 से डिवीजन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। लेकिन 2 के लिए नो है, तो 6 के लिए भी क्या होगा? नो हो जाएगा। 4 के लिए हम बाद में करेंगे, पहले 5 कर लेते हैं। 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिन नंबरों के लास्ट में 0 और 5 होता है। देख लेते हैं कौन कौन से के में 0 है। 0 है तो 5 के लिए यस, 6 है नो, 5 है यस, 6 है नो, 0 है यस, 4 है नो, 6 है नो, 0 है यस और 9 है नो। 0 से वो नंबर डिजिटल होते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है, तो इसके लिए यहाँ मैंने 10 कैसे लिखा हुआ है पता नहीं, कैसा आ गया 10 पता नहीं क्या है। चलिए ये हम कह लें नो आ गया, इसके आखिर में 0 है तो यस, इसके आगे में 6 है तो नो, इसके आगे में 5 है तो नो, इसके आगे में 6 है नो, इसके आगे में 0 है यस, इसके आगे में 4 है नो, इसके आगे में 6 है नो, इसके आगे में 0 है यस, और इसके आगे में नो है नो, ठीक है ना। अब बच जाते हैं नंबर 8 4 8 9, ठीक है ना। पहले 9 से देख लेते हैं, 9 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम 9 से डिविजिबल, जिस तरह 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 3 से कटते हैं, यानी कि जिनका सम यानी कि एडिशन 3 से डिवाइड होता है वो 3 से डिविजिबल होते हैं, जिनका सम 9 से डिविजिबल होता है वो 9 से, 999 का सम कितना आया था? 18 आया था, ठीक है ना। तो ये 999 9 से डिविजिबल होगा, ये यस हो जाएगा। जो 3 के लिए नो है तो वो तो नो ही नो होगा, 9 के लिए भी नो नो लिख लें। ये भी हमारा नो आया था तो ये भी नो लिख लें, ये भी नो आया था तो ये भी नो लिख लें। पहले 3 के लिए जो नो है वो 9 के लिए भी नो है, ये यस है। तो जो 3 के लिए यस है वो ज़रूरी है 9 के लिए यस हो, तो उसे हमें देखना पड़ेगा 6 3 9 2 1 0,
6 3 9 2 1 0 कितना है 21। क्या 21 9 की टेबल में आता है? 9 9 9 9 2 18 9 3 27 नहीं आता, तो ये कौन सा है? 10 वाला, 10 वाला ये भी नो आ गया। ये वाला इसमें यस दे रखा है, इसका सम कितना आता है? 144 का सम आता है, 27 3 की टेबल में 27 आता है, तो ये हमारा यस हो गया। ये 2856, 2856 का सम कितना आता है? 2856 का 21 21 9 की टेबल में नहीं आता, इसके लिए नो हो गया। उसके बाद 3060, 3060 का सम 9 है, तो 9 से तो डिवाइड होगा, यस हो गया। इसका सम याद है 30 आया था, 39 की टेबल में आया था, नो हो गया। अब आ गया 4, ठीक है ना, पेज को उल्टा कर लेते हैं क्योंकि तो उसकी अब ज़रूरत नहीं। 4 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। 28, क्या 28 4 से कटता है? 4 7 28, तो ये कितना आ गया? 28, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसे चेक ही नहीं करना था। 90 90 90, क्या 94 से कटता है? 4 2 8, 4 2 8, क्या रिमाइंडर 0 बचा? नहीं, तो ये किसके लिए गया? 8 के लिए क्या आ गया? 4 के लिए नो हो गया। जो 4 के लिए नो होगा वो 8 के लिए भी नो होगा, ठीक है ना। 1586 को आप डिवाइड करके देख लो 4 को, 4 2 8 बचे 6, 4 1 4 बचे रिमाइंडर 2, तो ये भी क्या हुआ? नो हुआ। 4 के लिए हमारा नो हुआ, तो 8 के लिए भी नो हुआ। अब आ जाता है, ये तो नो पहले लिख दिया था, ये 6, ठीक है ना, इसका लास्ट में क्या 86। 86 को डिवाइड करके देख लो 4 से, अभी तो 86 ही को तो देखा था, ये भी ऊपर 86 था, ये भी 86 ही है, तो ये भी नो हो गया। जो 4 से नहीं कट रहा 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 2 8 होते हैं। 10 10 के लास्ट टू डिजिट भी उससे नहीं कटते हैं, 4 से नहीं कटते, ये भी नो है, तो ये भी हमारा नो है। ज़्यादातर हमारे नो ही नो आ रहे हैं। अब आ गए 14 14, भी हमारा किससे नहीं कटता है? 4 से नहीं कटता है, आते नहीं 4 की टेबल में 14, तो 8 8 से भी नो। 56, इसको लास्ट क्या है? 285 का लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट के टू डिजिट क्या है? 56 56 4 से काटो, 4 1 4 4 4 16, ये 4 से कटता है। अब ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं है, तो 8 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ पे पहले कितना करा था हमने? 56। 8 के लिए क्या करें? 8 5 6 8 5 6, यहाँ पे 3 डिजिट चेक करते हैं। 8 1 8, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा होता, 5 0, ना जाता का 0 उतर, 6 56, तो ये यस है। 10 8 के लिए भी क्या है? यस है। फिर आ जाएगा ये 60, क्या 60 कटता है? 4 से, 4 1 4, 4 5 20, तो ये क्या हो गया? यस हो गया। और 8 के लिए चेक करो, 8 के लिए 3 डिजिट हमारे 060 है, 060 है, और 060 का मतलब क्या हुआ? 8, तो रिमाइंडर 4 आ गया, तो 8 के लिए भी क्या हो गया? नो हो गया। सबके लिए हो गया, बच गए भाई साहब 11। 11 का एक अजीब सा रूल है, उसके लिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, बहुत ही प्यारा सा रूल है। जो नंबर लिखा है उसे लिख लो 990, ठीक है ना। ये ऑड नंबर है, नीचे ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। जो मैंने ऊपर ऊपर नंबर ऐड करे उन्हें ऐड कर लो, कितना आगे 9 आगे, नीचे नीचे वाले को ऐड कर लो 9 आगे, सबट्रैक्ट करो क्या आया? 0 आया या 11 आया? 0 आया, 11 आया या 22 आया, यानी कि 11 के मल्टीपल आए, तो वो हमारा क्या होगा? उससे डिवाइड होगा, किससे? 11 से, तो ये ऐसा आ गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। फिर ले लो 1586, अगला दे चेक करो 1586, ये ऑड प्लेस पे नंबर है, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, 1
टू इवन थ्री फोर एट, ऑड ऑड को ऐड कर लो, फाइव और सिक्स कितने होते हैं इलेवन, एट और वन कितने होते हैं नाइन, डिफरेंस कितना आया टू, क्या डिफरेंस जीरो है, नहीं, क्या इलेवन का मल्टीपल है, नहीं, तो ये क्या हो गया नो। अगला नंबर 275, कोई बात नहीं, 275 ऑड वाले को ऊपर से दिखा दिया, इवन वाले को नीचे से दिखा दिया, ऑड वाले को हमने ऊपर से दिखा दिया, ऑड ऐड को ऐड कर लिया कितना गया सेवन, और इवन तो अकेले ये सेवन, सेवन में सेवन के जीरो बचे, तो ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, टू से, ओ सॉरी इलेवन से डिविजिबल होगा, और डिवाइड करके देख लेना, इलेवन टू द 22 बचे फाइव, फाइव फाइव 55, इलेवन फाइव द 55, बिल्कुल। अगला 6686, 6686 इसका क्या तरीका है, जो ऑड पर हो और जो इवन पे हो, ऑड ऑड वालों को ऐड कर लो, इवन इवन वालों को ऐड कर लो, 6 6 कितने हो गए 12, और 8 और 8 और 6 14, डिफरेंस कितने का आया टू का आया, ठीक है, चाहे ऊपर वाले से नीचे माइनस कर लो, नीचे वाले को माइनस कर लो, इसमें 14 लिख लो 12 लिख लो, डिफरेंस कितना का टू का आया, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, किसी में कुछ डिफरेंस कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ इलेवन आना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया नो भाई साहब, होगा नो एंट्री। अगला नंबर क्या है, बड़ा लंबा सा नंबर है, 6392 10, पहले वाले को ऊपर तो दूसरे वाले को हमने नीचे ले लिया, फिर ये ऊपर ले लिया, फिर ये नीचे ले लिया, ये से ऊपर निशान लगा लिया, ये नीचे निशान लगा, अब चेक कर लिया, ऊपर ऊपर वाले को जोड़ लिया थ्री और टू फाइव, नीचे नीचे वाले को जोड़ लिए सिक्स, नाइन और वन टेन, टेन और सिक्स कितने हो गए 16 हो गए, माइनस करा ऊपर वाले में से नीचे, नीचे वाले से माइनस, तो क्या बचा इलेवन बचा या माइनस इलेवन बचा, उससे पहुंचा क्या इलेवन का मल्टीपल है, तो ये ऐसे है, ये बड़े को से छोटे में घटाना है, मतलब 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा ना, बस और कोई फास्ट रूल नहीं है। अब कोई और सा नंबर बच गया, ये बच गया 4297, इसका हम 42 बनाते हैं, 4297 14, इसको ऊपर ले लिया तो इसे नीचे ले लिया, इसे ऊपर ले लिया इसे नीचे ले लिया, इसे ऊपर ले लिया इसे नीचे ले लिया, ऊपर ऊपर वाले को जोड़े, ऊपर कितना टू और सेवन नाइन, नाइन और फोर कितने होते हैं 30, नीचे वाले को नाइन और वन टेन, टेन और फोर 14, डिफरेंस वन का आया इलेवन का नहीं आया, देखो दोबारा देख लो, फोर था टू था नाइन था सेवन था वन था फोर था, फोर और सेवन कितना इलेवन, इलेवन और टू इलेवन, ट्वेल्व थर्टीन, यहाँ कितना वन और नाइन टेन, टेन और वन 14, तो ये हमारा क्या आ गया नो आ गया, नो और यस कैलकुलेशन पे डिपेंड है बच्चों। 2856, टू लिख लिया, फिर क्या लिख लिया एट लिख लिया, फिर फाइव लिख लिया, फिर सिक्स लिख लिया, ऑड को ऊपर कर लो या नीचे कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार हमने नीचे कर लिया, ऊपर वाले को जोड़ लिया फाइव और फाइव, फाइव और टू कितने हुआ सेवन हो गए, नीचे वाले को जोड़ लिया एट और सिक्स कितने हुए 14 हो गए, डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस आएगा इसका सेवन का आएगा, तो क्या तो नो आएगा, क्योंकि ना तो ये जीरो आया ना ही मल्टीपल ऑफ इलेवन आया, थ्री और सिक्स, थ्री और सिक्स तो किसी सूरत में नहीं लग रहे हैं, एक ऊपर नीचे ऊपर नाइन आया, जीरो आया, डिफरेंस कुछ नहीं आया, तो नो। अभी इतना लंबा चौड़ा नंबर है 4068 39, डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो एक को ऊपर दूसरे को नीचे, एक को ऊपर दूसरे को नीचे, एक को ऊपर दूसरे को नीचे, हमारे ऑड और इवन ऐसा होता है ना, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन और एट कितने हुए 17, नाइन और एट 17 हो गए, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन और फोर 13, डिफरेंस कितना का आ रहा है थ्री का, तो ये भी भाई साहब नो ही हुए हैं, तो नो ही नो, नो ही नो ज़्यादा है भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर वन हमारा ख़त्म होता है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल की एक अलग से वीडियो बन चुकी है पहले से, आप उसे भी देख लीजिएगा, और डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैंने आपको बता ही दिया था क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन से किससे डिविजिबल होते हैं आपको मैंने बताई दिया था, टू से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं जिनकी लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट आता है,
थ्री से कौन से डिविजिबल होते हैं जिनका सम थ्री से कटता है, एट नाइन से कौन से डिविजिबल होते हैं जिनका सम नाइन से कटता है, फाइव से कौन से डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट में जीरो फाइव होता है, टेन से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट में टेन होता है, सिक्स से नंबर कौन से डिविजिबल होते हैं जो टू और थ्री से डिविजिबल होते हैं, फाइव से नंबर कौन से डिविजिबल होते हैं, सिक्स हो गया, फाइव हो गया, फोर हो गया, और कौन सा सेवन, सेवन इसमें दे नहीं रखा है क्योंकि उसका कोई रूल ही नहीं होता, इसलिए यहाँ किसके हमें सेवन गायब है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर वन हमारा यहीं ख़त्म होता है। समझ में आया तो भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।